उनकी उम्मीदें तोड़ना बहुत पेनफुल होता है, जो हमें अपनी आखिरी उम्मीद मान लेते हैं। लेकिन कई बार हम टूटी उम्मीदों को जोड़ने के लिए एक फसाना बुन लेते हैं। हमें लगता है कि झूठ के पीछे भलाई छुपी हो तो बोलने में क्या हर्ज है। कहाँ खो गई दीदी? हम बुरे हैं क्या सुमित? काहे अपने आप को डीमोरलाइज कर रही हो? रिचा मिश्रा इज द बेस्ट। सिर्फ तुम्हारी नजरों में। दुनिया ने अब तक आपको जाना कहाँ है? देखना, एक दिन आप डॉक्टर ही नहीं, बहुत अच्छी सिंगर भी बनिएगा। उन्होंने हमसे बदतमीजी की। अरे उनका तो काम ही वही है, जुआरे है वो लोग। पीछे कंपनी बाग में इतना बड़ा ग्रुप है उन लोगों का, ये तो हवलदार आ गया, वरना दो मिनट में पूरा गैंग खड़ा कर देते। हम ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सुमित, कुछ सही नहीं हो रहा है हमारे साथ। शांत हो जाइए दीदी, सब ठीक हो जाएगा। पहले तो अपना हुलिया सुधारिए, घर पे सब वेट कर रहे हैं आपका। नमस्ते माँ, कैसे हैं आप? हम अच्छे, तुम कैसी हो? हम भी ठीक है। वेलकम होम बेटा, वेलकम। कैसे पापा? हम बहुत अच्छे हैं। ये क्या, आपने फिर से शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगा लिए? अरे माँ बाप ही मिलते रहोगे या अपने बुआ को भी मिलने दोगे रिचा से? नमस्ते बुआ। सिर्फ नमस्ते? चाइना से क्या लाई हो हमारे लिए? सॉरी बुआ, हमको तो लगा आपको चाइना का माल पसंद ही नहीं है। आओ बेटा अंदर चलो। आज हमको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी बेटी चाइना से डॉक्टरेट करके वापस हिंदुस्तान आ गई। अब हम सब लोग इसको ऑफिशियली तौर पर डॉक्टर ऋचा मिश्रा कह सकते हैं। ये सब तो ठीक है संजीव, लेकिन हमारे मन में एक शंका है। कैसी शंका दीदी? ये जो डॉक्टर की डिग्री ऋचा लाई है ना चाइना से, वो भी कहीं चाइना के माल की तरह फर्जी तो नहीं है? बुआ आप तो 10वीं तक पढ़ी है, आपको डॉक्टर के स्पेलिंग के आगे तो कुछ आता भी नहीं होगा ना? ए बेटा ऐसा नहीं बोलते, बड़ी है ना, बुआ है। बुआ है तो क्या हुआ, इनको भी तो सीखना चाहिए ना उस दोहे से, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। चलो बाय पिंकी, बाय। अरे काहे अब तक मुंह लटकाए बैठी है? हाँ अरे हम बुआ भतीजे में तो ऐसे चलते रहता है। संजय तुम टेंशन मत लो, हम जानते हैं ना, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। क्यों डॉक्टर ऋचा? गुड नाइट। चार साल में पूरा पटना बदल गया, लेकिन ये वैसी की वैसी ही है। अरे छोड़ो, हम तो ध्यान ही नहीं देते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। सीमा तुम ऐसा बात करोगे तो बच्चे कैसे इज्जत करेंगे दीदी की? इज्जत पाने के लिए ना कर्म करना पड़ता है, और आपका तो आदत है अपना बहन का गलतियों पे पर्दा ढाकने का। भूलो मत, हम दीदी के ही घर में रहते हैं। तो हम कहे थे गांव से यहाँ लेकर आने के लिए, गांव में था ना अच्छा खासा मकान, लेकिन नहीं, आप 28 साल से यहाँ दीदी की सेवा में लगे हुए हो। तो दीदी को क्या बेसहारा छोड़ दें? जानती तो 22 साल की थी कि विधवा हो गई। बहुत दीदी सहारा, अब अपने बच्चों के बारे में सोचिए। यार वही 28 साल पुरानी कहानी फिर से, ये बुआ जी को तो झेलना ही पड़ेगा। बस जो सोच के आया ना वो ठीक से हो जाए, बाकी सब तो देख लेंगे। जब से ऋचा ने डॉक्टरेट पूरा किया है ना, हमारा तो मान ही बढ़ गया है। पता है सब लोग क्या कह रहे हैं कि एक मामूली नर्स ने अपनी बिटिया को डॉक्टर बना दिया। अरे वाह, बड़ा दुलार आ रहा है माँ बेटी में। हम आते हैं। हमको देख के ऐसे भाग गई जैसे नेवले को देख के सांप। हेलो। हाँ मैडम। अरे आपको बोले तो थे कि आपका वाईफाई राउटर खराब है, तो थोड़ा तो दिक्कत होगा ना। आप तो कल सुबह आ जाते हैं ना? चलिए ठीक है, पापा वो एक कस्टमर के यहाँ जाना पड़ेगा।
सुमित हमको भी हॉस्पिटल जाना है, बाइक से हमको ड्रॉप कर दो। ठीक है चलिए हम आते हैं। हम क्या आए सभी चले गए। दीदी हमें आपको कुछ कहना था। बोलो ना। दीदी बुरा मत मानिएगा, हमसे जितना बन पड़ा आपके लिए हमने किया, पर अब क्या ना बच्चे बड़े हो गए हैं, सबको अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए। तो तुम हमको छोड़ के जाने की सोच रहे हो। अरे दीदी आपसे दूर थोड़े ना जा रहे हैं, रोज आपसे मिलने आएंगे। जाओ जाओ ना, लेकिन सुमित हमारे साथ रहेगा। लेकिन दीदी बस कहा है हमने तुमसे, सुमित हमारे साथ रहेगा। सभी के सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसने हमारे भाई के परिवार के साथ ऐसा किया होगा। आप भी यहीं रहती हैं? जी सर, हम वो लास्ट वाले रूम में रहते हैं, हमारे भाई का परिवार बाकी के सारे रूम में रहता है। रात को आप कहाँ थे? सर अपने रूम में थी, सो गई थी सर। तो इतना कुछ हुआ, आपने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? सर आपने घर में चेक किया कोई कीमती सामान, ज्वेलरी या कैश मिसिंग हो? आपने फैमिली को आखिरी बार कब देखा? कल रात को सर, हमारी भाभी नाइट शिफ्ट के लिए जा रही थी हॉस्पिटल में, सुमित उन्हें छोड़ने गया था। क्या वो नहीं था? हमें तो लगा उन्होंने सुमित को भी। आपने सुबह से सुमित को नहीं देखा? सर अपनों को मरा हुआ देखा जाता है क्या? हमारी सांसें ही भारी हो गई थी, हम तो बेहोश ही होने वाले थे, तो हमारे माली ने हमें संभाल लिया। आपने बताया कि आपकी भाभी सीमा और सुमित रात को ही निकल गए, तो फिर सीमा हॉस्पिटल से वापस कब आई? हमें नहीं पता। सीमा कौन से हॉस्पिटल में काम करती है? सेंट जॉन। आपका भतीजा सुमित करता क्या और कल रात को वो कहाँ गया था? सर वो वाईफाई का काम करता है, लोगों के घर में इंटरनेट कनेक्शन लगाता है, कल भी किसी क्लाइंट का कंप्लेंट कॉल आया था उसे, इसीलिए वो चला गया। फोन लगाइए जरा सुमित को। Please try again later. So switch off auto. सर कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। सर घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं है, ना लूट ना चोरी, क्रिमिनल्स का मोटिव क्लियरली मर्डर ही लग रहा है, और घर का लड़का सुमित वो गायब है। सर कहीं उसने ही मर्डर तो नहीं किया? सिंह कोई अपनी फैमिली को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा, और घर में दो या दो से ज़्यादा लोगों के फुट मार्क्स। राइट सर, अगर ये किसी गैंग या कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम है तो हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा, काफ़ी पॉश एरिया है, मीडिया के इस केस पर बराबर नजर रहेगी। पटना के वीआईपी इलाके में एक ही परिवार के तीन सदस्यों का बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जिससे पूरा शहर सकते में है। क्या ये पुलिस का फेलियर नहीं? जनता को जवाब देना होगा, आखिर ये हमलावर कौन थे? अगर ये जल्दी पकड़े नहीं गए तो दूसरे घरों को भी टारगेट बना सकते हैं। सर हमें सर हमने सुमित की माँ के हॉस्पिटल में चेक किया, सुमित ने अपनी माँ को वहाँ रात 9 बजे ड्रॉप किया था, लेकिन उसकी माँ रात को 1 बजे अचानक नाइट शिफ्ट बीच में छोड़कर चली गई। क्यों? सर सीमा की कलीग का कहना है कि उसके घर से एक इमरजेंसी कॉल आया था और ये कॉल उसके हस्बैंड का था। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? सर क्राइम सीन पर किसी भी विक्टिम के फोन भी नहीं मिले, समझ में नहीं आ रहा है कि संजीव ने सीमा को कॉल क्यों किया था रात 1 बजे। उस रात सुमित को भी उसके किसी कस्टमर ने कॉल किया था ना? हाँ सर, उस कस्टमर से भी बात हुई मेरी, उसने बताया कि सुमित रात 11 बजे अपना काम खत्म करके वहाँ से चला गया। तो क्या उसके बाद सुमित घर वापस आया होगा? सर सर मैंने सुमित के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला मुरारी नगर थाने में 2 साल पहले उस पर अबैकमेंट ऑफ सुसाइड का केस फाइल हुआ है। सर 2 साल पहले की बात है, शंकर नाम के एक आदमी का भी इंटरनेट कनेक्शन का बिजनेस था, उसके छोटे भाई संकेत ने सुसाइड किया था। सुमित पर आरोप था कि उसने शंकर के क्लाइंट्स हथियाने शुरू कर दिए थे, इसी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा था और इसीलिए संकेत ने सुसाइड कर लिया। सर केस में कुछ दम नहीं था इसीलिए सुमित बरी हो गया था। जी
शंकर। हाँ जी। सुमित मिश्रा के बारे में बात करनी है। उसके बारे में हमसे क्या पूछेंगे? मर्डर हुआ उसकी फैमिली का और सुमित गायब है। तेरी खुंदक थी ना उससे? खुंदक काय नहीं होगी सर, उसकी वजह से हमारे छोटे भाई संकेत ने सुसाइड कर लिया। पर कोर्ट में तो कुछ साबित नहीं होता। कोर्ट ने तो सुमित को छोड़ दिया था और उसके बाद तुमने सुमित को जान से मारने की धमकी दी थी। सुमित को नहीं मार पाया तो उसकी फैमिली को खत्म कर दिया और सुमित को गायब कर दिया। क्या सबूत है आपके पास? चल थाने में दिखा दे। देखे अरे क्या गुंडई है, क्या बदतमीजी है। लाइए मैडम, हम साफ कर देते हैं। चुप रहो तुम, किसी काम के नहीं रहे। जरा सा भाव क्या दे दिया, सारे काम अधूरे छोड़ रहे हो। दो दिन से पौधों को पानी दिया। वो मैडम यहाँ पे डेथ हुआ था तो हमने सोचा कि तुमको मालूम है पौधे जब मरते हैं ना तो गाली देते हैं। अब क्या उनकी हाय दिलवाओगे? तो देख क्या रहो, जाओ ना पानी दो। माई क्या हो गया चोरे? वो कोई ना है बैठे? माई जल्दी बंद कर, नहीं तो बेहतर घुस जाएगा। ठहर जा, मैं देखूं। कुछ ना है छोरी, हरा भरम है। माई बहुत बुरा है, वो मार डालेगा मारे को। कुछ ना होगा लाडू, चिंता मत कर। थारी माई है ना, कुछ ना होगा थारे को। ये संजीव मिश्रा प्रोफेसर था, एक साल पहले रिटायर हुआ। उसकी बीवी 20 साल से वर्किंग वुमेन थी, तो दोनों मियां बीवी के मिला के अच्छी खासी इनकम होगी। फिर भी ये दोनों संजीव की बहन के घर पे रह रहे थे, जबकि पटना में खुद का घर है, लेकिन वो घर इन्होंने किराए पे दे रखा। आखिर ऐसा क्यों? सर संजीव की बहन काफ़ी छोटी उम्र में विधवा हो गई थी और इनके आपसी रिश्तों में अभी तक कुछ बुरा सुनने को नहीं मिला। शंकर की क्या अपडेट है? सर इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उसे सिर्फ शक के बिना पर और अंदर नहीं रह सकते। जाने दो उसे, लेकिन नज़र रखो, हो सकता है उसी ने सुमित को जानबूझ के गायब किया हो ताकि हमारा शक सुमित पे बना रहे। जी सर। सर कामें, सर हमें बताया गया था कि ऋचा मर्डर से दो दिन पहले डॉक्टरेट करके चाइना से वापस आई, लेकिन सर उसका सीडीआर कुछ और कह रहा है। सर ऋचा का फोन पिछले 6 महीने से पटना में ही एक्टिव था। मैंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कंफर्म किया, वो 6 महीने पहले ही पटना आ गई थी। व्हाट? यस सर, लेकिन वो 14 तारीख को अपने घर गई थी। और दो दिन बाद उसका उसकी फैमिली के साथ कत्ल हो गया। वो किसी डॉक्टर गौतम कश्यप के क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही थी। तो मिलते हैं इस डॉक्टर कश्यप से और ऋचा की फैमिली की एक एक डिटेल पता करो, शायद इस फैमिली का कोई ऐसा राज है जो अभी तक सामने नहीं आया। अच्छा जा रहे हैं हम। हाँ एक मिनट, आज फिर उल्टी सर पहन ली। अरे ध्यान ही नहीं रहा, अभी सीधे कर लेते हैं। सुमित इस बार छुट्टियों के बाद चाइना जाने का मन नहीं कर रहा। क्या बात कर रही हो दीदी, अभी तो एक पूरा साल बचा है, फाइनल एग्जाम्स नहीं देनी आपको। हमको तुम दोनों से जरूरी बात करना है। हाँ माँ बोलो। तुम दोनों इस पे साइन कर दो। हाँ सर, डॉक्टर ऋचा मिश्रा हमारे अंडर में प्रैक्टिस करती थी। आप बताएं सर क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर ऋचा मिश्रा का मर्डर हुआ। हाँ कब हुआ सर? 16 तारीख को, उसे दो दिन पहले 14 तारीख को वो बॉन्डिंग कॉलोनी में अपने घर पर पहुंची। उसके घर पर फंक्शन था, सबको यही लगा कि वो सीधा चाइना से डॉक्टरेट करके उसी दिन पटना पहुंच गई। सर एक मिनट सर, आप कह रहे हैं पटना में घर? सर ऋचा ने तो हमें बताया था कि वो मसूरी की रहने वाली है। इवन 13 तारीख को हमसे कह रही थी कि हमें अपने घर मसूरी जाना है। लेकिन सबको तो यही लग रहा था कि वो चाइना से डॉक्टरेट करके आई है। आपके यहाँ कब से प्रैक्टिस कर रही थी? सर यही कोई 6 मंथ से। उसने हमें भी कहा था कि हम चाइना से डॉक्टरेट पढ़ के आए हैं और उसे अपॉइंट करने से पहले हमने उसकी डिग्री और डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए थे। तो आपके पास उस डिग्री और डॉक्यूमेंट की कॉपी तो होगी? जी सर, डॉक्टर ऋचा मिश्रा की सर डिग्री। सर इवन ज्वाइनिंग के बाद उसने हमसे ये भी कहा था कि पटना में उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हमने यही क्लिनिक पे एक शेल्टर प्रोवाइड करवा दिया था। तो मतलब ऋचा ने झूठ बोला,
हमें तो टैलेंटेड लगती थी सर, और आजकल तो स्टूडेंट सर यूक्रेन, चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज में जाकर मेडिसिन डिग्रीज ले लेकर आ रहे हैं, तो हमें यही लगा था कि वो भी जेन्युइन होगी। तो आपने रिचा को ना सिर्फ नौकरी पर रखा बल्कि रहने की जगह भी प्रोवाइड करवाई, तो अकेली लड़की देखकर सिर्फ मदद की या फिर मदद से ज़्यादा कोई मेहरबानी की? सर आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था और कुछ नहीं था। हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला। सर इतना तो क्लियर है कि 4 साल पहले रिचा ने चाइना के इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था और वो 3 साल तक वहीं पढ़ रही थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर रिचा पिछले 6 महीने से पटना में रह रही थी तो पिछले 6 महीने से अपने माँ बाप से दूर क्यों रह रही थी, वो भी माँ बाप को बिना बताए? 14 तारीख को रिचा अपने माँ बाप के पास आई और 16 तारीख को रिचा और उसके माँ बाप का कत्ल हो गया, और 16 तारीख से रिचा का भाई सुमित गायब है। वो कहाँ गायब है कुछ पता नहीं चल रहा। सर रिचा की बुआ के मुताबिक 14 तारीख को सुमित ही रिचा को एयरपोर्ट से लेकर आया था। तो मुमकिन है कि सुमित जानता होगा कि रिचा पिछले 6 महीने से पटना में थी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे मर्डर ससुराल 3 से 6 बजे के बीच में हुए थे, और सुमित को आखिरी बार उसके कस्टमर के घर देखा गया था रात को 11 बजे। उसके बाद वो कहां गया कोई ट्रेस नहीं मिल रहा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर वेपन क्या रहा होगा? सर पोस्टमार्टम डॉक्टर का कहना है कि संजीव और सीमा की बॉडी पर जिस तरह के जख्म मिले वो कोई यू शेप का धारदार हथियार होगा। यू शेप धारदार हथियार क्या होगा? सर हम रिचा के मूवमेंट चेक कर रहे थे तो एक ट्रैफिक पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिली है। 14 तारीख को रिचा और उसके भाई की गाड़ी 2 बाइकर से टकराई। वो दोनों लड़के कौन थे? सर हमने किसी का मर्डर नहीं किया सर, हम तो बस वहां पे चोरी करने गए थे। सर चोरी करने गए थे? हाँ सर, वो भी उस लड़की के कहने पे। कौन लड़के? रिचा, वो डॉक्टर। तो वही गाड़ी है ना? हाँ भाई ये तो वही गाड़ी है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुमसे दोस्ती करने आए हैं। दोस्ती? हमारा एक काम करोगे? उस काम के लिए हम तुम्हें पैसे भी देंगे। सर उसने बुखला था कि 16 तारीख की रात को उसके घर पे जाकर सोने और कैश के साथ साथ उसकी डॉक्टर की डिग्री भी चोरी कर लेनी। लेकिन सर हम जब वहां पहुंचे तो रिचा के साथ जो लड़का आया था वो लड़का कौन था? नहीं मालूम सर। वो इनकी कहानी पे यकीन करने पे मजबूर कर रहा है सर। पर सवाल ये है कि रिचा अगर वाकई अपनी डिग्री चोरी करवाना चाहती थी तो क्यों, किस मकसद से? सर हो सकता है वाकई ये दोनों किसी के कहने पे कहानियां बना रहे हो, शायद शंकर। ये दोनों किसी लड़के का भी जिक्र कर रहे हैं जो रिचा के साथ, वो लड़का कौन होगा? और अगर मान लो रिचा गहनों और पैसों के साथ अपनी डिग्री भी चोरी करवाना चाहती थी तो चोरी तो हुई नहीं, मतलब डिग्री अभी भी वहीं होगी। सर ये इसके पीछे कुछ भी तो नहीं है सर। सर 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 सर, सर ये पुराना आप पीछे सर सर कुछ नहीं है इसके पीछे सर। चाबी कहाँ इसकी? नहीं पता हमें, कुछ नहीं है इसके पीछे सर। सर 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 प्लीज।
हमें नहीं पता सर, वो कंकाल उस कमरे में कैसे आया, सच बोल रहे हैं हम। कैसे नहीं जानते, जिस घर में तीन तीन मर्डर हुए हैं उसी में कंकाल मिला है, और वो भी उस कमरे में जो पीछे से जाकर बिल्कुल तुम्हारे कमरे से जुड़ता है। उस कमरे का जो दरवाजा है अलमारी लगा के उसे छुपाया क्यों गया? सर वो कमरा जो है ना 20-25 साल से ऐसे ही है, वास्तु दोष है उस कमरे में। 20-25 साल, और 20-25 साल पहले ही तुम्हारे पति की मौत हुई थी, कहीं वो कंकाल तुम्हारे पति का तो नहीं? क्या बोल रहे हैं सर, हमारे पति जो है ना दमे से मरे थे और हमने उनका ठीक तरह से अंतिम संस्कार किए थे। तो अब ठीक से बताओ उस कंकाल की कहानी क्या है, किसका है और उसे वहाँ कौन लाया? हमें तो लगता है ना ये सब जो है ना रीचा ने किया, मेडिकल करके आई है ना, उसी ने रखा होगा वो कंकाल उधर। वो सिर्फ 2 दिन पहले घर आई थी। सर वो थी तो पटना में ना, आप ही बोले थे। सर हम कह रहे हैं आपको ये सब उसी का करा था, उसी ने पूरे परिवार को व्यस्त कर दिया। परिवार सुमित को लेकर पजेसिव थे ना, और शायद ये बात तुम्हारे भाई और भाभी को पसंद नहीं थी, इसलिए भाई भाभी भतीजी सब मर गए, और शायद सुमित जिंदा, और शायद सुमित को तुमने कहीं गायब किया। कब से इल्जाम लगाए जा रहे हैं आप? छोटी उम्र में हमारे पति मर गए, विधवा हो गए, इसका मतलब कातिल नहीं है हम। अब और कुछ भी टॉर्चर करेंगे ना, बहुत तकलीफ हो रही हमें। सुनल हॉस्पिटल ले गए। सर एंटी फ्रॉड डिपार्टमेंट ने रिचा की डिग्री की ऑथेंटिसिटी चेक की है, कंफर्म ये डिग्री फेक है। सवाल यह है कि रिचा ने फेक डिग्री क्यों बनवाई, और जय और प्रदीप के मुताबिक रिचा इस डिग्री को चोरी करवाना चाहती थी, क्यों? कहीं दोनों लड़के हमें घुमा तो नहीं रहे? सर इन लड़कों से उस लड़के का स्केच बनवाते हैं, हो सकता है कि इस कहानी का कनेक्शन उस लड़के से जुड़ा हो। ताज्जुब की बात यह है कि रिचा जैसी साधारण लड़की ने एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की सिर्फ फेक डिग्री नहीं बनवाई, बल्कि इस डिग्री की बुनियाद पर वो डॉक्टर कश्यप के यहाँ प्रैक्टिस भी कर रही थी। जाहिर सी बात रिचा ने ये डिग्री किसी फेक डिग्री बनाने वाले ग्रोह से बनवाई हो। तो सर आपको ये लग रहा है कि ये सारे मर्डर्स फेक डिग्री की वजह से हुए? इस ग्रोह को ढूंढना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इस ग्रोह ने सिर्फ एक फेक डिग्री तो नहीं बनाई होगी, और भी डिग्रीज बनाई होंगी, और उन डिग्रीज को लेके बाकी लड़के लड़कियाँ अलग अलग जगह पर डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस कर रहे हों। ये लोगों की जान के साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है। हम इस एंगल में काम करते हैं। और हमें सर जिस अलमारी में हमें डिग्री मिली थी उसमें ये एफिडेविट मिला है सर, एंड नीचे सुमित और रिचा का साइन भी है सर। तुम दोनों इसमें साइन कर दो। इस एफिडेविट के मुताबिक सुमित और रिचा कभी बच्चा पैदा नहीं करे। एक तरफ अंजलि अपने भतीजे सुमित को ही अपनी प्रॉपर्टी का वारिस समझती थी, और दूसरी तरफ दोनों भाई बहन से ऐसा एफिडेविट साइन करवाया गया। आखिर इस फैमिली के पास इतनी क्या दौलत थी जिसके नॉमिनी ये दोनों भाई बहन थे? ये मिश्रा फैमिली क्या थी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ अभी तक तो हमारी मैरिड लाइफ शुरू भी नहीं हुई है, और अभी से आप हमें बच्चे पैदा करने के लिए ना बोल रही हो। हम पागल नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा का जनरेशन में ना दिमागी प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा जी एबनॉर्मल थे, सुसाइड किए थे। तुम्हारे दादाजी बुढ़ापे में तुम्हारे पापा जी जैसे हो गए थे, और हम अपने हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर से इसके बारे में बात की। उन्होंने बताया कि जेनेटिक डिजीज है, तो तुम लोग को अपना परिवार बनाने से पहले पता होना चाहिए कहाँ प्रिकॉशन लेना है और कहाँ नहीं। सर सर जय और प्रदीप ने इस लड़के की स्केच बनवाई है जो कि उस रिचा के साथ। सर मैंने रिचा के CDR को भी चेक किया, उसमें एक नितिन नाम के लड़के का नंबर मिला है। सर ये नितिन की फोटो है और ये स्केच दोनों मैच कर रही है। जय और प्रदीप ने भी कंफर्म किया कि यही वो लड़का था जो कि उस दिन रिचा के साथ। सर हमने रिचा को पहले ही कहा था कि उन लड़कों से ऊटपटांग काम ना करवाए, पर उसने एक नहीं सुनी। और सर सच बताए तो हम उसके साथ जाना भी नहीं चाहते थे, पर उन लड़कों से उसे अकेले बात करने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए हमें जाना पड़ा। तो जानता था ना कि रिचा ने उन दोनों को प्रदीप और जय को घर पे बुलाया था? सर सच बता रहे हैं हम कुछ नहीं जानते। तुझे पता था ना कि रिचा चाइना से पटना वापस आ गई, उसने फेक डिग्री बनवाई। कहाँ से बनवाई थी? तुमने मदद की थी? नहीं सर, हम तो पहले से रिचा के इस कदम के खिलाफ थे, पर वो बहुत प्रेशर में आ गई थी क्योंकि वो फेल हो गई थी। नितिन हम तो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, हम तो सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स जब से हमने होश संभाला ना कूट कूट के दिमाग में भर दिया कि हमें सिर्फ डॉक्टर बनना है। रिचा पर तुमने कोशिश तो की थी ना, अब तुम फेल हो गई तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करो।
45 लाख का खर्चा किया है उन्होंने हमें चाइना भेजने के लिए। किस मुंह से कहे कि हम फेल हो गए। फिलहाल ना फेक डिग्री का जुगाड़ कर लेते हैं, फिर कुछ कमा लेंगे और उस कमाई से हमारा डॉक्टरेट पूरा कर लेंगे। सर रिचा ने अपने फैमिली प्रेशर में आके कभी कोई सही डिसीजन लिया ही नहीं। उसे तो हमेशा यही डर लगा रहता था कि गलती से अगर उसकी फेक डिग्री पकड़ी गई तो उल्टा और फंस जाएगी, इसलिए वो उसे चोरी करवा के टेंशन फ्री होना चाहती थी। टेंशन फ्री? उसी फेक डिग्री को दिखाकर वो डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी। आई नो सर, पर किसने किया, कब किया, क्यों किया, उसके पेरेंट्स का किसने खून किया, सर हमें कुछ नहीं पता। रिचा का भाई सुमित कहाँ है तो जानता होगा ना? सर हम कुछ नहीं जानते, हम सच बता रहे हैं। तो मिश्रा हाउस में वो कौन था जो स्केल्टन को प्रिजर्व कर रखना चाहता था? रिपोर्ट यहां रख रहे हैं। आगे आप लोग, क्या कहा डॉक्टर ने, लड़का है ना? दीदी सीमा चेक करवाने से मना कर दिए, लड़का होगा या लड़की है तो पैदा होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम बोले ना तुमसे, हमको अपना बेटा चाहिए। गर्भ हमारा है और हक आप जता रही हैं। हम विधवा नहीं होते ना तो तुमसे तुम्हारा बच्चा कभी नहीं मांगते। तो कर लीजिए ना दूसरा शादी, किसने रोका है? नहीं कर सकते ना, बात है हम। सर भले ही स्केलेटन को प्रिजर्व करके रखा जा रहा था, लेकिन किसी आम आदमी के लिए स्केलेटन का इंतजाम करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने ऐसे केसेस के बारे में सुना है जहां पर कब्रिस्तान से स्केलेटन गायब करके उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। सिंह, आजकल इस तरह की खरीद फरोख्त डार्क वेब के जरिए भी होती है। डार्क वेब एक ऐसी काली दुनिया जहां पर इलीगल हथियारों से लेकर हर तरह की इलीगल और बैन चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है। सर इसमें तो साइबर सेल की एक्सपर्टीज है और ये सोर्सेज को ढूंढने में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। चांस तो लेना पड़ेगा। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें इस केस की जड़ तक जाना होगा। इस केस से जुड़े हर शख्स के डिजिटल फुटप्रिंट चेक करो, शायद कोई क्लू मिले। सर हमें, सर हमने मिश्रा फैमिली की पिछले 4 साल की GPS हिस्ट्री चेक की है। सर उसमें सुमित और उसकी माँ सीमा की 2 साल की GPS हिस्ट्री चेक करने वाली है। सर करीब 2 साल पहले सुमित और सीमा राजस्थान के धुमनी गांव गए थे। सर कई सालों पहले इस गांव को हॉन्टेड माना जाता था, रूमर्स थे कि इस गांव में भूत प्रेत हैं। तो ये दोनों माँ बेटा उस गांव में क्या करने गए थे, इनका उस गांव से कोई कनेक्शन? नहीं सर, ये दोनों तो बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो हमें पता करना होगा कि सुमित और उसकी माँ उस गाँव में क्या करने गए थे। सर ये सरपंच की माँ सीमा और सुमित को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। प्रणाम माता जी। सब मारे को अच्छे से याद है, वो छोरा और उसकी माँ यहाँ मारे को मिलने आए थे। माँ जी गोमांती और लोमानी कहाँ रहते हैं बता पाएंगी तो? अच्छे रे, धन्यवाद। गोमांती और लामनी? हाँ साहब, वही गोमांती और लामनी जिनका भूत 50 साल से फिर रहे हैं। बड़ी अजीब व्यथा थी बेचारी माँ बेटी की। सर 50 साल पुरानी माँ बेटी की मर्डर की कहानी जो कि काला जादू करते थे, भला सुमित और उसकी माँ इस कहानी को इतने डिटेल में जानने के लिए इंटरेस्टेड क्यों होंगे? अगर देखा जाए तो इंटरनेट पे इस घटना के बारे में पूरी जानकारी होगी, फिर भी सुमित और उसकी माँ इस घटना के बारे में जानने के लिए पर्सनली इस गाँव में आए और वो भी इतने ब्रूटल तरीके से। सर इस क्राइम का ना ही कोई मोटिव समझ में आ रहा है और ना ही ये कि ये किया किसने। आई थिंक वो शायद इसलिए क्योंकि अभी तक हम इस केस को रेगुलर तरीके से इन्वेस्टिगेट करते आ रहे हैं। क्यों ना हमें इस केस को देखने का नजरिया बदले, नजरिया बदलेंगे तो तहकीकत बदलेगी और तब शायद कोई क्लू हाथ लगे। नहीं चाहिए था। आप सब लोगों ने हमसे ये बात छुपाई कि संजीव जी को दिमाग का दौरा पड़ता है और आप लोग के जनरेशन में सबको यही बीमारी था। कहीं इसका असर हमारे बच्चों पे पड़ा तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, रिया 3 साल की हो गई है ना, कुछ हुआ उसे? नहीं ना, बच्चा भी स्वस्थ होगा।
सर, हमने सस्पेक्ट और विक्टिम से जुड़े सभी लोगों की लिस्टिंग की थी, लेकिन उसमें एक नाम ऐसा भी है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, और वो है डॉक्टर गौतम कश्यप का, जिसकी क्लिनिक में ऋचा काम करती थी और उसके घर का इंटरनेट कनेक्शन सुमित ने लगाया था। मतलब डॉक्टर कश्यप सिर्फ ऋचा को नहीं, उसके भाई सुमित को भी जानता था। डॉक्टर कश्यप, डॉक्टर कश्यप, दरवाजा तोड़ो। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर गौतम, पिछले जन्म में हम लड़की थे। हाँ, हम तुम्हारी माँ थे, एक औरत, और वैद्य का काम करते थे, और इस जन्म में हम डॉक्टर हैं। आपका है ना वो कार्मिक soulmate.com पे पुनर्जन्म के किस्से पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया। अभी तुम नादान हो ना, यकीन नहीं करोगे, हम पिछले जन्म में वैद्य ही नहीं ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस भी किया करते थे, और इस जन्म में भी कर रहे हैं। और इसी ब्लैक मैजिक की मदद से हमें ये पता चल गया है कि हम दोनों पिछले जन्म में माँ बेटी थी। तुमने सुमित को फालतू कहानियां सुना के सुमित को हासिल करने के लिए तूने उसकी पूरी फैमिली खत्म कर दी। सिर्फ हमने ही नहीं, हमारे बेटे ने भी हमारा साथ दिया। जिन तीन लोगों ने 50 साल पहले हमें मारा था, हमने उन्हें मारकर अपना बदला पूरा किया है। गुमानती यानी हम और लामानी यानी तुम, ठीक 50 साल पहले 11 मई को हम दोनों मरे थे, और जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ही था। और कमाल की बात यह है कि जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ही था। तो क्या पिछले जन्म में हम सच में आपकी बेटी थे? हाँ, हम दोनों माँ बेटी थे, और हम दोनों को जिन तीन लोगों ने मार दिया था वो इस जन्म में तुम्हारे माँ बाप और बहन है। जी सर, हमें यकीन था कि वो तीनों ही हम दोनों के कातिल थे। वे तुम ना, वो डॉक्टर एक नंबर का सनकी है, दिमाग खराब कर दिया उसने तुम्हारा। तो अपनी माँ को लेकर राजस्थान के गांव में क्यों गए थे? हमने तो माँ को उनके मुंह पे ही बोल दिया था कि पिछले जन्म में वो हमारी कातिल थी, तो गांव ले जाकर सब बता दिया। वो समझ बैठी कि हमें वही दिमागी जेनेटिक डिजीज है जो हमारे बाप दादा को थी, पर हमें तो बदला लेना था। पर तभी रिचा चाइना में थी, तो जैसे ही वो फेल हुई हमने उसे एक फेक डिग्री का प्रॉमिस करकर यहाँ इंडिया बुला लिया, क्योंकि हमें तीनों को साथ में ही मारना था। ऋचा को इंडिया बुलाकर डॉक्टर कश्यप के यहाँ प्रैक्टिस पर लगा दी, ताकि वो साला डॉक्टर तुमसे 6 महीने अपने ऊट पटांग रिचुअल करवाता रहे। तभी डॉक्टर ने बोला कि यही मौका है, मर्डर हम करेंगे लेकिन पकड़े हो जाएंगे। तो अपनी माँ को अपने पापा के फोन से कॉल करके हॉस्पिटल से घर तुमने बुलाया था। संकी, तूने अपने पागलपन के चक्कर में पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, एक बच्चे को उठपटांग पास सुनाकर उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया तूने। सर, इस डॉक्टर ने तो बड़ी लंबी प्लानिंग कर रखी है। सर, आप किस तरह की प्लानिंग? उसने कहा कि कोर्ट में उसे लॉयर नहीं चाहिए, वो अपना केस खुद ही लड़ेगा, जिसके लिए उसने डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रखे। सर, अब वो कोर्ट में 50 साल पुरानी गुमंती और लमानी मर्डर केस को फिर से ओपन करके ये साबित करना चाहता है कि 50 साल पहले सीमा, संजीव और रिचा ने उनके पिछले जन्म में इसकी हत्या की थी। सर, ये पक्का सनकी है, और वैसे भी 50 साल पहले गुमंती और लमानी का मर्डर किसने किया था ये तो कभी पता ही नहीं चला। लेकिन ये डॉक्टर वो केस पक्का ओपन करेगा। मैंने एक से एक सनकी और सिरफिरे लोगों को देखा, पर ये डॉक्टर कश्यप सबसे ऊपर है। ये दुनिया ऐसे ऐसे अजीब और खतरनाक लोगों से भरी पड़ी है, इन्हें समझने और पहचानने में लोग अक्सर धोखा खा जाते और सुमित और उसके परिवार की तरह उनका शिकार बन जाते। लोगों को ऐसे सनकी और सरफिरे लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।